उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण होने के कागार पर है, जहां अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव आयोग और सरकारी गाइडलाइन के आधार पर मतगणना केंद्रों पर वीडियोग्राफी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर सिस्टम और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में शुरू कर दी गई। लेकिन कुछ मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जो प्रत्याशी के एजेंटों द्वारा उड़ाई गईं और प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भी कड़ाई बरतनी पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आम आदमी पार्टी महासचिव रानू मंडल के द्वारा सरकार की अव्यवस्थाओं के आरोप में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। मैम, क्या नाम है आपका? रानू निगम। अच्छा, किस आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव प्रभारी मथुरा जी। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप? अभी यहाँ मतगणना स्थल पर आप आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मतगणना स्थल पर इतनी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लॉकडाउन की कोरोना काल में गवर्नमेंट ने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। मैं थोड़ा हटा सकती हूँ, बहुत दूर हूँ आपसे। कोई भी सुविधा अंदर उपलब्ध नहीं है। आप जाके काउंटरों पे देख सकते हैं, एक एक काउंटर पे 20-20, 30-30 लोग, एक उंगली का भी डिस्टेंस नहीं है। क्या गवर्नमेंट को और जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस, यहाँ सीओ हैं, एसएचओ हैं, आपके डीएम सारे उपस्थित हैं और बहुत बहुत सारा पुलिस प्रशासन बल सारे के सारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। जो टेबलें लगी हुई हैं मतगणना की, वहाँ पर पब्लिक इतनी जमा है, 30-30, 35-35 लोग जमा है, लेकिन लॉकडाउन में इतनी व्यवस्था खराब है और जो कोरोना है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। जैसा कि अखबारों में दिया गया था कल कि जांच की इतनी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्थाएं, हम लोग बैठने की चेयर्स ये वो सब दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, उनको दोषी मानती हैं आप इसको लेकर? इस पर तो मैं गवर्नमेंट को और शासन प्रशासन को पूर्ण रूप से दोषी मानूंगी, क्योंकि हम लोग भी आए हैं, आज मैं भी एजेंट हूँ। अब इतने 33-35 जेंट्स वहाँ खड़े हैं, तो क्या मैं उनके ऊपर से जाकर अपने प्रत्याशी का पर्चा देखूं? कहाँ पर मैं अपने क्या देखूंगी? कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की व्यवस्था है, किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है।